इधर में टिकट काउंटर है और 10 रुपीज़ लिया ये फेरी के लिए। नाउ लेट्स गो। यू सी इट्स रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग, द बेस्ट थिंग। एक चीज़ नोटिस किया है कि मैंगलोर में जितना भी रास्ता है ना बहुत अच्छा है, और मैं ये एक स्कूटी हायर किया था। अगर आप सोलो ट्रैवलर है तो हायर स्कूटी इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, नहीं तो ट्रांसपोर्ट में बहुत खर्चा हो जाता है। सो कल मैं हायर किया था, आई थिंक 400 रुपीज़ पर डे में। Yes, I'm almost there. पहुँचने वाला सुल्तान बेकरी। आज का फर्स्ट प्लेस है सुल्तान बेकरी, मैं पहुँच गया। सो दिस इज सुल्तान बेकरी, लेट्स गो इनसाइड एंड सी। यहाँ में कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो इफ इट्स क्लियर। ये शायद अंदर जाने का रास्ता है। वैसे इस पर हिस्ट्री में सुल्तान बेकरी जो टीपू सुल्तान बनाया था, बेसिकली ये जो एक वॉच टावर है और पास में एक रिवर है गुरुपुरा रिवर, तो उसमें जो एनिवी का जो नेवल शिप वगैरह ना आ पाने के लिए ये वॉच टावर बनाया था। और अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, एनीवे लेट्स सी। If you can see here, this is the Gurupura River. और यहाँ से inland जाता है और ये साइड जो समुंदर जाता है। ऑलमोस्ट सब कुछ ruin हो गया। तो यहाँ पे एक फेरी लाइन है जो उस साइड में एक तनिरबा भी बीच बोल के, यहाँ से वो फेरी लाइन पकड़ के जा सकता है। तो नेक्स्ट मैं इसको देखने के बाद वो फेरी से जाऊँगा। नथिंग मच। बोला जाता है कि ये नीचे में, इसके नीचे में गन पाउडर वगैरह रखा जाता है, रखा गया था टीपू सुल्तान के टाइम में। और फिर एक सीक्रेट टनल भी है जो मैसूर तक जाता है, लेकिन शायद अभी वो ऑलरेडी बंद कर दिया। सो इतना ही मेरे को मालूम है सुल्तान बेकरी के बारे। सुल्तान बेकरी के बगल में ही जो तनिरबा भी जाने का फेरी लाइन है, तो आई डोंट नो टिकट कहाँ मिलता है, देखते हैं। आई थिंक फेरी लाइन उधर है। और मैं अपना हायर स्कूटी बाहर रख दिया, अभी टिकट लेके चलते हैं फेरी में। इधर में टिकट काउंटर है और 10 रुपीज़ लिया ये फेरी के लिए। नाउ लेट्स गो। ओके लेट्स गेट इन। सो फेरी लाइट शुरू हो गया, आई थिंक मे बी 5-6 मिनट्स का होगा, आई डोंट नो, लेट्स सी। इफ यू कैन सी इन माई बैक साइड, बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं है अभी, आज संडे है उसलिए क्या आइडिया नहीं है मुझे। ऐसे रिवर का व्यू देखिए। बस 1 मिनट का राइड बोल सकते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये जो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट था और ये एंड पॉइंट, बेसिकली इट्स ओनली रिवर क्रॉसिंग। फेरी से बाहर आ गया, अभी चलते हैं तनिरबा बीच। अगर तनिरबा बीच में बाय रोड उधर से जाता तो 10-11 किलोमीटर होता है,
और फेरी में 10 रुपये लेके उस साइड से यहाँ क्रॉस किया 1 मिनट में। तो बहुत टाइम और मनी बचाया यू कैन से। वो फेरी लाइन से जस्ट 5 मिनट वॉक करके तंजिन भाभी बीच पहुँच गया। तो ये बीच का एंट्री है, बहुत सारे छोटा मोटा दुकान है। सबसे पहले अपना जूता खोल के चप्पल में आ जाता हूँ। तंजिन भाभी बीच पहुँच गया और पहुँचते यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है सो आई डोंट नो हाउ फार आई मीन वी आर अलाउड टू स्विम और नॉट। सी का व्यू देखिए, आज बहुत लोग तो नहीं है, संडे है तो यूजुअली लोग होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं है और ज़्यादा वाटर एक्टिविटी तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हॉर्स राइडिंग वगैरह है और ऐसा वाटर स्पोर्ट्स तो नहीं है यहाँ पे। आई डोंट नो इफ दूसरे दिन में वाटर स्पोर्ट्स होता है कि नहीं, लेकिन आज कोई भी वाटर स्पोर्ट्स नहीं है। तंजिन भाभी बीच देख के आ गया और अभी मैं ये फेरी टर्मिनल में आ गया, ये रिवर के उस साइड क्रॉस करूँगा और फिर मैं जाऊँगा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सूरतकल बीच। सूरतकल बीच आई थिंक मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अराउंड 20 किलोमीटर है और वो UDP हाईवे लेके जाना है, तो मेरे पास तो स्कूटी है उससे जाऊँगा। I still remember when I was really free and all the things I lived in the midst, all the things that I left, I regret for this, it won't be the same. Now I'm heading towards Suratkal Beach. Mangalore railway station ke thoda sa dur mein SBI bank hai, uske paas se ye Sultan Battery ke liye buses bhi jata hai, to Sultan Battery aane ke liye aap bus bhi le sakta hai. Rasta to ekdam badhiya hai. एग्जैक्टली 12 बज रहा है और धूप इतना ज़्यादा है ना क्या बोलो, स्टिल नो प्रॉब्लम, लेट्स गो। शायद आधा घंटा मैं पहुंच जाऊंगा। 16 किलोमीटर मैंगलोर से चलाने के बाद मैं सूरतकल बीच का टर्निंग में आ गया। यहाँ से UDP जाते हैं, पीछे साइड मैंगलोर और ये यहाँ पे लिखा है सूरतकल बीच। सूरतकल बीच इस रूट से है, सो लेट्स गो इन द लास्ट बीच फॉर टुडे। By the way, this Suratkal beach is also called, I think, NITK beach. One of my friend, he used to study in this college. Scooty hire करने का best फायदा ये है कि आप कहीं भी लेके निकल जाओ। Wow! Seriously? Oh, so beautiful. It is so nice riding in this. Maza aa raha hai. See on the left. Today I still remember when I was really free and all the things I lived. In the midst of all the things that I left, I regret for this. It won't be the same. Yeah, I never felt this way. Cause I want to come back and find my way. And I have to run. Beach ke paas jaate hain. Oh. Wow. Really beautiful, yeah. बहुत सुंदर है और अच्छा बात ये है कि बहुत साफ सुथरा है यार, काफ़ी साफ सुथरा है। दैट इज द आइकॉनिक वॉच टावर एंड सी दिस बीच। बहुत सुंदर है सीरियसली, इतना काम है ना और ऐसा लग रहा है कि पूरा बीच मेरे लिए है और कोई मतलब ऑलमोस्ट एम्प्टी है, कोई लोग नहीं है।
इस साइड भी देखो ऑलमोस्ट खाली, इस साइड भी देखो पूरा खाली। Day, I still remember when I was really free and all the things I lived and the miss all the things that I left. I regret for this, it won't be the same. Yeah, I never felt this way, cause I want to come back and find my way, and I have to run and run away. I'll finally choose. अगर आप शांति और पीसफुल बीच इंजॉय करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। सुरतकल बीच काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर है, और मैं अपने वीडियो यहाँ एंड करता हूँ। बेंगलुरु ट्रिप बहुत अच्छा था, और स्पेशली यहाँ के लोग ना बहुत फ्रेंडली है, तो बहुत मज़ा आया। सो इफ यू लाइक समथिंग अबाउट माई वीडियो, गिव अ लाइक, गिव अ कमेंट, एंड चैनल पर नया है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सो मच। बाय बाय, सी यू। I still remember when I was really free and all the things I lived and the miss, all the things